राजधानी ब्यू, सच कहने का साहस और सलीका। हम हैं आपकी आवाज, राजधानी ब्यू। नरसिंहपुर, इस महामारी में सरकार से भी ज्यादा सामाजिक कार्यकर्ता कर रहे हैं मदद। ऐसा ही एक उदाहरण सामने आया। 20 दुकानों के कॉम्प्लेक्स के मालिक सुदर्शन बेद ने अपनी महानता दिखाते हुए एक माह का किराया सभी दुकानदारों का किया माफ। उन्होंने राजधानी बीओ के रिपोर्टर से कहा कि सबको एक दूसरे की मदद करना चाहिए इस कोरोना महामारी में। 50-60 दिन होने को है, व्यावसायिक गतिविधियां पूरी ठप है जी। एक इंसानियत के नाते एक भावना आती है। क्या आपने आकलन किया है कि लगभग लगभग इसमें कितना आपको आर्थिक, इसको योगदान कह रहे हैं, मानव हित में योगदान है आपका इतना बड़ा? नहीं, हमने ऐसा कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, बहुत छोटा सा काम है। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, छोटा सा एक महीने का हमने किराए का एक किया है कि इसको डिलीट किया जाए। एक महीने का किराया सभी दुकानदारों से एक महीने का किराया न लिया जाए। अच्छा, जैसे अभी कुछ ऐसा एक बात, अभी चूंकि लॉकडाउन की स्थिति अभी क्लियर नहीं हो रही है, लॉकडाउन कहीं ना कहीं आगे भी फिर सकता है, इस स्थिति में कुछ दुकानदार जैसे अपेक्षा रखते हैं कि अगले महीने क्या होगा, और चूंकि व्यवसायिक गतिविधियां टोटल ठप है, तो क्या उनको कहीं कुछ कार्ड पेमेंट करने की देंगे या कुछ आधे महीने का भी किराया माफ करेंगे, ऐसा कहीं कुछ भविष्य में ऐसा कुछ हो सकता है? हाँ जी, उनके सुविधा के हिसाब से ही काम करेंगे, ऐसा उनका कोई हित ना हो, उनके व्यवसायिक हितों का कोई हित ना हो, किसी का भी किसी प्रकार का नुकसान ना हो, उनका बिल्कुल हित रखा जाएगा। भाई मंजीत जी भी कुछ उनके मन में, दुकान मालिक हैं और इन्होंने, सुदर्शन जी वैद्य, इन्होंने आपका लगभग एक माह का किराया माफ किया है, ये लगभग कितनी राशि होती, कितना किराया आप देते हैं और ये कितनी राशि होती है, और इस राशि के किराया माफ होने से आपको कितनी बड़ी राहत मिल पा रही है? जैसा कि ज्ञात हो, COVID-19 कोरोना वायरस इस वैश्विक महामारी से हम ही सब व्यापारी वर्ग सब आर्थिक स्थिति से जो संकट से जूझ रहे थे, जिसमें हमारे कॉम्प्लेक्स के संचालक श्री सुदर्शन बैद्य जी ने हमारे सभी दुकान धारकों का माह महीने का अप्रैल महीने का एक माह का किराया माफ़ करने की घोषणा की है। ये लगभग एक माह का किराया कितना बनता है आपका? एक दुकान का, एक शटर का 5,000 रुपये होता है, हमारे 2 दुकान है तो उसका 10,000 रुपये किराया होता है। 10,000 रुपये एक बहुत बड़ी राशि होती है, बहुत बड़ी राशि होती है। और ये इस दौरान आपको लगभग कितना आर्थिक नुकसान हुआ होगा इस व्यवसाय में, इस दुकान बंद के दौरान? इस बंद के दौरान हम लोगों को जो हमारा मास्क वगैरह का माल था वो रुक गया था, वो हम लोग बेच नहीं पा रहे थे, और जो हम लोगों के कर्मचारियों की पेमेंट वो करना पड़ रहा था, जो हम लोग उधार लेके आते हैं उनको करना पड़ता है, जो घर के किस्त वगैरह रहती है, बिजली बिल रहता है, वो सब हम लोगों को आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा था। उस हिसाब से जो एक माह का किराया हम लोगों का माफ़ हुआ है, उसमें हम लोगों को बहुत सी मदद मिली है। जिस प्रकार से आपके 10,000 रुपये की जो राहत राशि मिली है, और क्या ये आपको अपेक्षा थी या आपको उम्मीद थी कि आपको इतना बड़ा आर्थिक पैकेज मिल सकता है 10,000 रुपये का, जहाँ लोग एक रुपये भी नहीं छोड़ते? उम्मीद तो थी हम लोगों को बाबूजी से, हम लोगों ने निर्णय किया था जिस दिन मार्केट खुलेगा उस दिन हम लोगों ने सोचा था कि सभी दुकानदार इकट्ठा होके बाबूजी के पास जाएंगे, उनसे बाल तलाब करेंगे, लेकिन हम लोगों के जाने के पूर्व ही उन्होंने विशेष रूप से मुझे बुलाया और बोला कि हम एक महीने के माह अप्रैल माह के महीने के ही किराया माफ़ करने का घोषणा करते हैं, ये सभी दुकानदारों को आपके द्वारा बता दिया जाए। अच्छा, जैसा कि उन्होंने एक माह का किराया माफ़ किया है, लेकिन ये लॉकडाउन आगे भी चलना है और आगे भी कहीं कुछ परिस्थितियां सामान्य होती नज़र नहीं आ रही हैं, और हो सकता है कि आगे लॉकडाउन के दौरान आगे भी आपकी व्यावसायिक गतिविधियां बंद रहेंगी, तो फिर आगे आप इसको कैसे मैनेज कर पाएंगे? जैसा कि अब ज्ञात होगी, हमारे जो आज सुदर्शन रेड्डी से जो हम लोगों की चर्चा हुई, कहते हैं कि उनने एक माह का कॉम्प्लेक्स का और आपका माफ़ किया जाएगा। हाँ, वैद्य बाबूजी द्वारा हमारे
कॉम्प्लेक्स का किराया एक महीने का माफ़ करा गया है, जिससे हम लोग को बहुत राहत हुई है। नहीं तो हम लोग किराया कैसे देते हम लोग को भी मालूम नहीं है, क्योंकि दुकानें पूरी बंद हैं, काम कहीं से चल नहीं रहा है। बाबूजी द्वारा हमारा किराया माफ़ करा जाना बहुत मतलब बहुत बड़ी कृपा है, मतलब हमारे बाबूजी द्वारा सही में बहुत कृपा करी गई है। और भी दुकानदारों के लिए क्या कहेंगे, मतलब कि जो अन्य कॉम्प्लेक्स हैं, ये तो सुदर्शन वैद्य जी का कॉम्प्लेक्स जिनने माफ़ किया, और भी आप क्या कहना चाहेंगे और लोगों के लिए? सभी लोगों को थोड़ा ना थोड़ा किराया माफ़ करना चाहिए, एक महीने का तो कम से कम किराया माफ़ होना चाहिए, क्योंकि व्यापारी कहाँ से किराया देगा। क्या नाम है? मेरा नाम नितिन कुमार रजक है, नर्सिंग कंप्यूटर मेरी शॉप है बाबूजी की दुकान कॉम्प्लेक्स में, 9 नंबर शॉप। नरसिंहपुर से मंजीत छाबड़ा की रिपोर्ट। राजधानी व्यू, सच कहने का साहस और सलीका, हम हैं आपकी आवाज। राजधानी व्यू।